हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ पारस ठाकुर। और चलिए बच्चों, आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, दिस क्लास इज फॉर क्लास 12th वालों के लिए, रिपीटर्स के लिए। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑलरेडी दो लेक्चर कर चुके हैं। SN2 का पूरा मैकेनिज्म, पूरे सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। SN1 के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, SNI के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कब रिटेंशन होता है, कब इन्वर्जन होता है, तो कुछ और केसेस इंटरेस्टिंग करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे SN1 SN2 का। राइट, तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब कंपैरिजन होगा दोनों मैकेनिज्म का और उनके बीच में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे। राइट, तो अगर आप में से किसी ने भी बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब के साथ साथ देयर इज अ बेल, छोटी सी घंटी बनी होती है, उस घंटी को बजा दो, ठीक है, ताकि आपको हर क्लास से पहले नोटिफिकेशन क्लास का आ जाए। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में। मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स लाइक अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आया ऑर्गेनिक का, बेटा सेकंड भी नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट चैप्टर नहीं आया, ठीक है, अगला हम कर लेंगे। इट्स ऑल इन कॉन्टिन्यूटी। अगर आपको फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तभी आपका सेकेंड हाफ भी अच्छा हो पाएगा। राइट, तो लोगों को या तो ऑर्गेनिक आती होती है या फिर नहीं आती होती। जिनको लगता है हमें आधी आती, एक्चुअली उनको कुछ आता नहीं होता है, ठीक है, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। राइट, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं थर्ड लेक्चर के साथ। और बिफोर दैट, आपको पता है कि अब आप में से फिर भी अगर कोई नया बच्चा है जिसको पता नहीं कहना अकेडमी प्लस क्या है, तो इट्स लाइक कि अगर आप चाहते हैं हम सब टीचर से लाइव पढ़ना, और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटा के एजुकेटर्स हैं, दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे लाइव अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, घर पे बैठ के आप मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे पीसी पे वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, साथ में चैट कर सकते हो। चैट का मतलब है गप्पे नहीं मारनी है, मतलब आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो कि सर ये वाला समझ नहीं आया, सर इसमें क्या करेंगे, अपने अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हो। तो लाइव क्लासेस चलती हैं और 40+ एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लस पे। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, यस, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए 11 12th और ड्रॉपर्स के लिए। क्विजेज हैं, वीकली क्विज, मंथली क्विज, डेडिकेटेड डाउट क्लासेज हैं, ठीक है, और मोर पर्सनलाइज है। तो मतलब अगर आपको नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी चाहिए अपनी प्रेपरेशन में, तो आपको ऑफलाइन से फार फार बेटर है। घर के कंफर्ट में बैठ के आप टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ो, और अगर आप कोई लेक्चर मिस करते हो तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। जैसे ये कुछ कोर्सेज हैं, तो 1 ईयर कोर्स चल रहा है, 2 ईयर कोर्स भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे एजुकेटर जिनसे पढ़ने के लिए स्पेशली बच्चे कोटा जाते थे, ओके, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और घर के कंफर्ट में, और इतना इकोनॉमिकल प्राइसिंग है कि अगर आपको, देखो, आप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो टू द unacademy.com/plus। सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मोबाइल यूजर जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे IIT JEE कैटेगरी में यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, फिर आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप 1 month, 3 month, 6 month, 12 month ले सकते हो। 12 month इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप 1 year प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको 25,000 चार्जेस हैं इसके, आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप JEE लाइव कोड यूज करेंगे। और अब तो 2 year का भी सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो चुका है, यस, 2 year का सब्सक्रिप्शन 40,000 में, जिसमें आप JEE लाइव कोड लगा के 10% डिस्काउंट ले सकते हो। तो 36,000 में 2 साल की प्रिपरेशन IIT की, और 40+ जो एजुकेटर्स, ऐसा नहीं कि आप किसी एक से पढ़ोगे, दो से पढ़ोगे, आप कितनों के भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, वो आपके ऊपर। आप 40 के 40 कोर्सेज में एनरोल करना है, मतलब कोर्सेज तो 40 से काफ़ी ज़्यादा है, पर 40 एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज को देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो कोई लिमिट नहीं है किस टाइम देखना है, मॉर्निंग में भी बैच ही चलते हैं, इवनिंग में भी चलते हैं, आफ्टरनून में भी चलते हैं, आपको जो टाइम सूटेबल लगता है आप वो टाइम पे अटेंड करो। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड JEE लाइव फॉर द 10% डिस्काउंट। और अब नीट एम्स के लिए भी प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो चुका है। राइट, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, JEE मेन ऑनलाइन 2014 का क्वेश्चन है। तो आई गिव यू 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। और इसमें आई थिंक थोड़ा सा मेरे को चेंजेस यहां पे करने हैं, दैट इज, हाँ, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं CH3, वेट 1 second, या इसको मैं कर रहा हूं C6H5, CH CH3 BR, बस, ठीक है, ए ऑप्शन में। तो अब जल्दी से इसका आंसर दो क्या होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से समझ आ जा रहा है कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा गैस वर्क भी करने की जरूरत है, इट्स क्लियर, डायरेक्टली देखते क्लियर है ये।
राइट देखो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एज ए सॉल्वेंट लिया हो तो डीएमएफ जब एज ए सॉल्वेंट आप लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसमें यूज करते हैं बेटा एसएन2 मैकेनिज्म में और जब ये बोल रहा है कि कंप्लीट इन्वर्जन किसमें होगा एसएन2 में आपने पढ़ा था अगर आपका डेक्स्ट्रो हो तो वो एकदम इन्वर्ट करके लीवो बन जाएगा तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है जिसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं तो इन्वर्जन ऑब्जर्व करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना इन्वर्जन तो हो रहा है ठीक है पर उसके लिए क्या होना चाहिए एक तो अगर आपको ऑब्जर्व ही करना है तो ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी हो तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाकी होगा सब में ऐसा नहीं है जैसे अगर आप सिंपल CH3Br की भी अगर आप बात करो तो इसमें भी है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है पर इन्वर्जन तो हो रहा है ना तो पॉइंट इज कंप्लीट इन्वर्जन किसमें होना चाहिए मतलब SN2 किसमें सपोर्टेड होगा अगर आप इसकी बात करेंगे C6H5CH3Br तो ये थोड़ी हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि एक साइड pH है एक H है एक CH3 है और एक Br है राइट टू डिग्री है थोड़ी हिंड्रेंस है एक्चुअल ओरिजिनल जो था उसमें दोनों pH थे दिए हुए तो चलो मैं थोड़ी सी वेरिएशन कर दी कोई बात नहीं आप pH भी रख सकते हो तो दोनों pH हो गए तब भी तब तो और ज्यादा हिंड्रेंस आ जाएगी राइट इसमें C6H5CH2Br अच्छा है दैट इज pH CH2Br एक तो बेंजाइल है बेंजाइल में भी SN2 बहुत अच्छा होता है बेंजाइल में SN1 भी अच्छा होता है क्योंकि कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा बट बेंजाइल में जो ट्रांजिशन स्टेट है SN2 का वो भी बेंजीन की वजह से जो कॉन्जुगेशन आएगा उससे स्टेबलाइज होता है तो बेटा बेंजाइल SN1 भी बहुत अच्छा देता है और SN2 भी बहुत अच्छा देता है अब आप बोलोगे सर अगर दोनों अच्छे देता है तो अल्टीमेटली देगा कौन सा ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर फर्दर ग्रुप अगर लगे हैं वो क्या लगे हैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज करेगा तो SN1 के चांस बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो SN2 की ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा और SN2 के चांसेस बढ़ेंगे तो ये आपका बेंजाइल है बेंजाइल 1 डिग्री तो यस ये वाला काफी अच्छा है यहां पर भी दो दो बेंजाइल ग्रुप लगे हैं मतलब फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो काफी हिंड्रेंस हो जाएगी यहां पर उसको भी छोड़ दो ये दिस वन CH2 एक्चुअली CH2 होगा CH2Br ये क्या है बेंजाइल तो नहीं है पर ये इसमें हिंड्रेंस काफी कम है कंपैरेटिवली राइट तो क्या लग रहा है यार सबसे कम हिंड्रेंस किसमें है ऑब्वियसली बात है इसी में ठीक है ना सबसे कम हिंड्रेंस इसी में दिस इज सिंपली 1 डिग्री ओके तो सबसे अच्छा या कंप्लीट इन्वर्जन क्योंकि इसमें SN1 के चांस नहीं है ये वाला अगर आप लोगे तो उसमें SN1 भी होगा और SN2 भी होगा ये बोल रहा है भाई कंप्लीट इन्वर्जन चाहिए मेरे को मतलब सिर्फ SN2 ही चाहिए तो ये वाला 1 डिग्री है 1 डिग्री में SN1 नहीं होता तो जब SN1 नहीं होगा तो ऑप्शन सिर्फ SN2 की बचे तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा तो आंसर इज सी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बस ये कंपेयर करना था कि SN1 SN2 किस किस में हो रहे हैं दोनों हो रहे हैं या एक ही हो रहा है कंप्लीटली एक ही हो रहा है राइट इसमें बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो तो SN1 से जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज अगेन 30 सेकंड फॉर यू काफी सिंपल क्वेश्चन है ठीक है तो देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से इसको कर लेते हैं और बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे समझ आए तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बच्चा नया होगा क्लास में बिल्कुल और आप एक्सपेक्ट करोगे कि बीच क्लास में आके आपको कुछ चीज़ें समझ आना स्टार्ट होंगी तो ऐसा नहीं होगा ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी तो प्लीज़ पुराने लेक्चर देखना अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं ठीक है और समझ आ रहा हो तो लाइक करते चलना है राइट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 के लिए पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या देखेंगे SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है जिसका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे सब कुछ डिपेंड करेगा राइट तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर SN1 तो यहां पर अगर आप क्लोराइड निकालेंगे तो ये बनेगा तो इट विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहां से क्लोराइड निकालेंगे 1 डिग्री 1 डिग्री में तो SN1 होता ही नहीं है ये SN2 से जाना है तो ये तो सबसे कम हो गया ठीक है और यहां से अगर आप क्लोराइड निकालेंगे तो ये 2 डिग्री है प्लस ये अलाइल है मतलब सब्स्टिट्यूटेड अलाइल है ये तो अलाइलिक में रेजोनेंस क्योंकि यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस भी होगा ना अलाइलिक में राइट तो सबसे फास्ट 3 फिर 1 फिर 2 ओके तो 3 1 2 दैट इज आंसर इज सी तो आई थिंक काफी बच्चों ने आंसर सही दे दिया हुआ है ठीक है चलो फिर भी मेरा बताना काम है बिकॉज आई डोंट नो कि कितने बच्चों को चीजें अच्छे से आती हैं कितने नहीं आती हैं
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. प्रिडिक्ट द कंपाउंड इन ईच पेयर दैट विल अंडरगो सॉल्वोलिसिस या सॉल्वोलाइसिस इन एक्वस इथेनॉल मोर रैपिडली. सॉल्वोलाइसिस क्या होता है? एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है. राइट, सॉल्वो प्लस लाइसिस. सॉल्वो मीन्स सॉल्वेंट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक अपार्ट. तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को यूज करके जब आप उस रिएजेंट को सॉरी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हो सॉल्वेंट यूज करके, मतलब सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, उसको बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस. जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में वो स्पेसिफिक टर्म होगी क्योंकि वाटर के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल लेंगे उसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे. तो सॉल्वोलाइसिस जनरल टर्म है, उसके अंदर आप हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो. जैसे इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट है, इसको इथेनोलाइसिस बोल सकते हैं स्पेसिफिकली. राइट, तो सॉल्वोलिसिस मेजॉरिटी में SN1 ही होता है. तो कहीं अगर आपको सॉल्वोलिसिस पूछ लिया ना तो उसका मतलब है बेटा वो SN1 के बारे में पूछ रहा है, तो SN1 सोच के आपने उसका आंसर देना है. राइट, चलिए भी ए वाले में क्या होगा. SN1 में कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप है, यहां कार्बन के साथ तीन है, तो बेटा ये 2 डिग्री हैलाइड है और ये वाला 3 डिग्री हैलाइड है. तो डेफिनेटली 3 डिग्री हैलाइड में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 फास्ट होगा. बी वाले में देखो, ये वाला सिंपल 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 फास्ट होगा. यहां पे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है फर्स्ट वाले में. डी में दोनों 2 डिग्री हैं पर जिसका ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बेटर, क्योंकि आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप के ऊपर बेस्ड हो गया क्योंकि डिग्रीज बराबर थी दोनों की. यहां पे ये तो आपका 2 डिग्री है, ये वाला आपका 2 डिग्री प्लस बेंजाइल है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. ये 2 डिग्री है, वो अलाइलिक प्लस 2 डिग्री है, तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है. ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी. आप भी बोलोगे सर बहुत सिंपल सा है, पर चलो ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिंपल आ जाता है और हम कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में पढ़ के उसको गलत कर देते हैं. नेक्स्ट, अब सिंपल सा क्वेश्चन. विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स जनरली डू नॉट अंडरगो SN1 और SN2 रिएक्शंस, एक्सप्लेन व्हाई. टेक 30 सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि क्या करेंगे इसमें, क्यों करेंगे, क्यों वो SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते. विनाइल भी SN1 SN2 से रिएक्ट नहीं करता और अराइल भी SN1 SN2 से रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या रीजंस हैं? चलो आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना. तो विनाइल की बात जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CHX, राइट, ये आगे बेटा हमारा विनाइल हैलाइड. ओके, और अराइल की बात कर लेते हैं, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन कनेक्टेड हो, ये आ गया आपका अराइल हैलाइड. प्रॉब्लम क्या है, अगर आप विनाइल से कार्बोकैटायन बनाते हो, इस एक्स को अगर मैं निकाल दूं तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH+, अनस्टेबल है. मतलब कार्बोकैटायन में देखा जाए तो ये काफी अनस्टेबल है. वैसे अगर मैं यहां से एक्स निकाल दूं तो जो बनेगा मेरे पास फिनाइल कार्बोकैटायन, दैट इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल. ओके, तो क्योंकि कार्बोकैटायन दोनों ही सिनेरियो में बहुत अनस्टेबल बन रहे हैं, इसलिए SN1 का चांस ही नहीं बचा. SN2 की प्रॉब्लम क्या है, SN2 में करना था इसके बैक साइड अटैक. तो विनाइल और अराइल दोनों में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एक तो पोलैरिटी उतनी अच्छी नहीं है. क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है sp3 से. तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से थोड़ी बढ़ गई है तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा, पोलैरिटी कम हो जाएगी, तो अटैक करने की टेंडेंसी भी कम है. दूसरा, SN2 में बैक साइड अटैक करना है, बैक साइड अटैक यहां पर इजीली नहीं हो पाता ड्यू टू द प्लेनर अरेंजमेंट. ठीक है, बैक साइड अटैक नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये SN1 भी नहीं देते हैं और SN2 भी नहीं देते हैं. नेक्स्ट वन, अब करते हैं इनका कंपैरिजन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 दोनों का कंपैरिजन में क्या क्या पढ़ेंगे. तो काइनेटिक्स देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप के बेसिस पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे. देखो, तो पहला आ गया SN1, तो काइनेटिक्स क्या है, रेट फर्स्ट ऑर्डर है, रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा. राइट, और प्राइमरी अल्काइल नेवर अनलेस एडिशनल स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट, कि मतलब आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 कराओगे नॉर्मली नहीं होता. हाँ, अनलेस एंटी अगर आप AgNO3 वहां पर लेके चलते हो तो AgNO3 कुछ काफी अनयूजुअल SN1 रिएक्शन भी करवा देता है जो नॉर्मली नहीं होने थे. ठीक है, तो वो एक तरह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो गया. ठीक है, तो ये करवा सकता है. सेकेंडरी में आपका SN1 के चांसेस क्या होंगे, सेकेंडरी में जो आपका
SN1 होगा, कार्बोकेटाइन जो बने वो ठीक ही बनेगा, तो सेकेंडरी में मॉडरेट है, SN1 भी होता है SN2 भी होता है, टर्शरी में बहुत ही बढ़िया है क्योंकि टर्शरी में कार्बोकेटाइन काफ़ी अच्छा बनता है, और SN1 ही होता है, SN2 बिल्कुल भी नहीं होता है। लिविंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब क्योंकि रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम प्रेफर क्या करेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम प्रेफर करेंगे उसको, क्योंकि स्ट्रांग अगर हुआ तो SN1 को डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेगा पर SN2 के चांसेस बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिकली SN1 का नुकसान है ना। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है पर आपके राइवल को कर रहा है तो एक तरह से आपको अपोज ही कर रहा है ना, डायरेक्टली नहीं कर रहा पर इनडायरेक्टली तो कर रहा है। ओके, प्रेफर्ड सॉल्वेंट पोर्टल पोलर एप्रोटिक, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा पोलर प्रोटिक, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा प्रोटिक सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट कर लेंगे, और कार्बोकेटाइन जब सॉल्वेट हो जाएगा तो स्टेबल फील करेगा, हैप्पी फील करेगा, राइट। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल हो सकता हो उतना करना है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट उसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री रेसेमाइजेशन होती है, राइट, मतलब रिटेंशन भी होगी इन्वर्जन भी होगी। अब नॉर्मली तो आप पढ़ते हैं नॉर्मल बुक्स में कि कंप्लीट रेसेमाइजेशन होती है कि 50% आपका रिटेंशन होता है और 50% आपका इन्वर्जन होता है, बट हमें पता है कि इन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन पॉसिबल। कैसे होता है, कब होता है, आयन पेयर इफेक्ट में क्या होता है वहाँ पे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। रीअरेंजमेंट्स कॉमन है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑब्वियस बात है रीअरेंज करेगा। एलिमिनेशन कॉमन, SN1 के साथ एलिमिनेशन बहुत कॉमन है, क्यों है वो भी जब हम इवन मैकेनिज्म करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब SN2 की बात करते हैं, तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी हैलाइड में बहुत अच्छा होता है, प्राइमरी हैलाइड में काफी अच्छा होता है, प्रोवाइडेड उसके पड़ोस में भी बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए। पता लगा प्राइमरी तो था पर उसके पड़ोस में बल्की ग्रुप लगा दिया तो गुड, अनलेस अ हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल इज यूज, और न्यूक्लियोफाइल भी बहुत बड़ा ना हो। सेकेंडरी में मॉडरेट है, सेकेंडरी दोनों करता है SN1 SN2, इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को सेकेंडरी में आता है कि कौन सा करवाएंगे। तो सेकेंडरी में फिर आपको हर चीज देखनी पड़ती है, सॉल्वेंट कैसा है, आसपास हिंड्रेंस कितनी है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है, सारी चीजें। देन टर्शियरी में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लिविंग ग्रुप दोनों में इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2 अच्छा है निकल जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, इन्वर्जन होता है कंप्लीट, कोई रेसमाइजेशन नहीं होती, कंप्लीट उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। देन रीअरेंजमेंट्स रेयर, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होते, SN2 की भी कुछ आगे फर्दर वैरायटीज है जहां पर थोड़ा काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट होता है, SN2 प्राइम जैसे हम बात करते हैं, तो अब उसको करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। एलिमिनेशंस, यस, एलिमिनेशन में SN2 E2 के साथ कभी कभी कंपीट करता है, पर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रांग बेस चाहिए होता है, मतलब स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो बात करेंगे जब हम एलिमिनेशन की बात करेंगे, तो फिर हम चारों को कंपेयर करेंगे, SN1 SN2 E1 E2 इन चारों को कंपेयर करेंगे। तो एक्स्ट्रा एलिमिनेशन ज़्यादा तब होती हैं जब हम हीट करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में ज़्यादा बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है। बस इतना सा काफ़ी है जनरल सा कंपेरिजन, बाकी क्वेश्चन कर करके आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं आयन पेयर इफेक्ट इन SN1 रिएक्शन के, SN1 में क्या कंप्लीटली रेसेमाइजेशन होती है कि जो आपका कार्बोकेटाइन बन गया वो प्लेनर है, उस पर जितने इजीली फ्रंट साइड से अटैक हो सकता है उतने इजीली बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। तो हम तो बोलते हैं कि दोनों तरफ से 50-50 चांसेस हैं, तो 50% रिटेंशन हो जाएगा, 50% इन्वर्जन हो जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपका ये RX आयनाइज होगा, ये X नेगेटिव टूटेगा, एकदम थोड़ा ना दूर चला जाएगा ये, राइट, अभी ये फ्रंट में लगा था X, टूट गया, अभी धीरे धीरे खिसकेगा, तो जब धीरे धीरे जाएगा तो अभी भी ये वाला साइड तो ऑक्यूपाइड है ना, यहां से कोई अटैक नहीं कर सकता क्योंकि X अभी धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो पहले बनता है इंटीमेट आयन पेयर, बॉन्ड टूट चुका है पर अभी भी ये काफी क्लोज है, तो ये कि सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, तो सॉल्वेंट इसको क्या करेगा, सिंगल एंटिटी की तरह मान के सॉल्वेट करने की ट्राई करेगा। सॉल्वेंट के लिए भी ये सिंगल एंटिटी है, इसके बाद बनता है सॉल्वेंट सेपरेटेड। अब एक्स नेगेटिव थोड़ा दूर हुआ ताकि बीच में सॉल्वेंट घुस पाए, तो अब सॉल्वेंट ने दोनों को सेपरेट कर दिया कि भाई चलो थोड़ा सा अलग हो जाओ, पर फिर भी ये थोड़ा नजदीक ही है। फिर उसके बाद जाके ये कंप्लीटली दूर दूर हो जाते हैं, ये अलग से सॉल्वेटेड होता है, वो अलग से सॉल्वेटेड होता है। यहां पर अगर आप बोलोगे यस, इस सिनेरियो में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो जितना उसके पास फ्रंट से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है उतनी ही बैक से भी है, तो ऐसे सिनेरियो में तो आपको मिलता है कंप्लीट
रेसिमाइजेशन। ऐसे सिनेरियो में, पर द पॉइंट इज कि अगर न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक कर दे, इनिशियल स्टेज में अटैक कर दे, तो यहां पर तो फ्रंट वाला ऑक्यूपाइड था, तो इस स्टेज में अगर वो अटैक करेगा तो हमें इन्वर्जन ज्यादा मिलेगा क्योंकि बैक साइड अटैक ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन रिटेंशन, और उसमें करेगा तो कंप्लीट होगा, राइट, समझे। तो यहां पर इसमें भी, यहां पर भी इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा ही होगा पर उसके कंपैरिजन में कम। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता कि न्यूक्लियोफाइल इस टाइम फ्रेम में अटैक कर रहा है या उस टाइम फ्रेम में अटैक कर रहा है। बेटा अगर कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को अभी अभी अटैक करना है, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को न्यूक्लियोफाइल अभी ला के दो, मेरे को अभी चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो शांति रखेगा। तो जब कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, इट डजंट शो टेंडेंसी कि मेरे को अभी रिएक्ट करना है, वो वेट कर लेगा कि चलो ठीक है यार आने दो, करते हैं। तो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन में रेसिमाइजेशन ज्यादा होती है, जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वो बोलेगा नहीं यार जल्दी से रिएक्शन करो और निपटाओ उसको, तो वो इसी स्टेज में रिएक्ट कर जाएगा और इन्वर्जन ज्यादा होगा। फिर न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर ऐसा हो बहुत स्ट्रांग है जल्दी अटैक करेगा, इसी स्टेज में अटैक कर देगा। तो ये दोनों के करेक्टर पे डिपेंड करता है कि दोनों में कैसा कैसा करेक्टर है, दोनों कितने शांति बरत सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वेदर दे कैन लाइक स्टिल बी लिविंग एज अ पीसफुल एंटिटीज और नॉट, क्लियर। तो ये याद रखना कि नॉर्मली SN1 में बुक्स में लिखा होता है कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती है, पर वो होती नहीं है, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा ही होता है। ये क्वेश्चन नीट में आई थिंक 2015 तब नीट हो गया था कि नहीं हुआ था, शायद उसी साल से हुआ था, पता नहीं यार, PMT 2015 में आया हुआ है और ये NCERT में मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। KI इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ईच PQ R&S, द रेट्स ऑफ द रिएक्शन वेरी एज। हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है ये, तो ऑब्वियसली बात अच्छा क्वेश्चन है बट उतना टफ नहीं है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। यस क्विकली, आई वांट द आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। ये यहां पर पता लगेगा कि कितने बच्चों ने एडिशनल चीजें पढ़ी, जो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो SN2 में मैंने नहीं बताया था, तो ये आपकी रिसर्च के ऊपर था, बिकॉज नॉर्मल बुक्स में ये जनरली नहीं डिफाइन किया होता, अल्फा कार्बोनिल वाले केस नहीं डिफाइन किए होते हैं। तो देखो नॉर्मली आप बोलोगे कि सर पी में हिंड्रेंस सभी से कम है, ये तो मिथाइल क्लोराइड है, ये 2 डिग्री है और ये एलाइलिक है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे फास्ट तो पी में होना चाहिए, नॉर्मली आप ये बोलोगे तो आपको लगेगा सर ए और सी में से आंसर हम दे देंगे, और एस में तो सर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बट आपको पता है कि ये जो है जिससे एक्चुअली अल्फा कार्बोनिल, क्योंकि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है हेलोजन उससे अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल लगा हुआ है, तो बेटा अल्फा कार्बोनिल में SN2 इज एक्सीलेंट, नॉट जस्ट गुड, इट इज एक्सीलेंट, सबसे ज्यादा फास्ट। क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जब SN2 की ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और वो कॉन्जुगेशन में हो तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होता है। तो ये जो कार्बोनिल है इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, दैट इज वाई दिस विल शो एक्सीलेंट स्पीड इन SN2 रिएक्शन। तो S आ गया आपका सबसे आगे, बात खत्म, एक ही ऑप्शन है, तो बस इतना सा नॉलेज जरूरी था कि यह सबसे आगे आएगा, फिर P आ जाएगा, फिर R क्योंकि एलाइलिक है, 1 डिग्री प्लस एलाइलिक है, तो एलाइलिक की कॉन्जुगेशन का वही फर्क पड़ता है जैसे वहां पर कार्बोनिल का पड़ा था, इसलिए एलाइलिक बहुत अच्छा होता है, 2 डिग्री से काफी अच्छा होता है एलाइलिक, राइट। तो SPRQ, तो आपको एक चीज समझ भी आ गई, आपका क्वेश्चन भी हो गया और आपने एक नई चीज भी सीख ली कि अल्फा कार्बोनिल में SN2 एक्सीलेंट होता है और SN1 होता ही नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर कार्बोकैटायन बना उसके बगल में इतना स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होगा, वो तो बेचारा बोलेगा यार भाई हटाओ, अपने को करना ही नहीं है, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर और फिशर प्रोजेक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए दो रिएक्शन आपके सामने हैं ये, ठीक है, और धीरे धीरे एनालाइज भी करो, अगर आप जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करते जा रहे हो तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है,
थोड़ी थोड़ी करके होगी, एक एक लेक्चर करके, पूरी एक दिन में नहीं हो पाएगी भाई, आराम आराम से होगी, पर डेली अटेंड भी करना है क्लास, उसके साथ साथ में क्लास में लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना है। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको लिखो, उसी टाइम लिख के सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीज को मैंने बोली उसको नोट डाउन करो। तो जितना आप अटेंटिव रहोगे क्लास में, जितना फोकस्ड रहोगे क्या बोला जा रहा है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, उतना ही आप गेन करोगे। बिकॉज क्लास तो बहुत सारे बच्चे अटेंड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेंगे, पर द पॉइंट इज जिसने पूरा फोकस के साथ देखा है वो ऑब्वियसली बात है बाकी उनसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एसीटोन और साइनाइड, ठीक है, साइनाइड एक ठीक है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बुरा नहीं है। और एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो NaBr बनेगा, NaBr एसीटोन में प्रेसिपिटेट कर जाता है, फिंगलस्टीन रिएक्शन याद है ना आपको, उसमें तो हैलोजन एक्सचेंज था, यहाँ पर Na था, ये Ki था, पर बात यही थी कि Na के साथ जब Br निकलेगा तो वो कर जाएगा प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट करने से वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छा खासा जाएगा। तो ये क्या है, टू डिग्री है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और एसीटोन है जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट है हमारे पास, साइनाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बुरा तो नहीं है, गुड न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक है, टू डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है यार SN2 होना है, इन्वर्जन होना है। तो Br को हटाओ, यहां पर एच करो और यहां पर आप साइनाइड करो, बाकी को एज इट इज रखो, CH3 CH2 CH3, बस हो गया इन्वर्जन, SN2 रिएक्शन हो गया है ना। प्लस जो NaBr आपका बनेगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता ये। सेकंड वन अगेन NaOH लिया हुआ हमने, NaOH वाटर एसीटोन, अभी एलिमिनेशन वाला पार्ट तो मत करना, तो वाटर एसीटोन लिया, मतलब पोलर एप्रोटिक है, तो वाटर एसीटोन की रेशियो क्या है ये भी बहुत फर्क डालती है कि वाटर कितना ज्यादा था, एसीटोन कितना ज्यादा है। तो यहां पर देखोगे ये भी यार 2 डिग्री और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ओके okay, इसको आप एक्वस KOH की तरह मान के चलो। मैंने कहा था ना एक्वस KOH में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है, तो एक्वस KOH ले लो या एक्वस NaOH ले लो, ऑलमोस्ट वैसा है, ऊपर से थोड़ा एसीटोन भी डाला है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहां पर फिर से SN2 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बस यहां पर इन्वर्जन करना था आपको, सिंपल राइट। तो ऐसा नहीं कि SN1 बिल्कुल नहीं होगा, 2 डिग्री SN1 होगा, बट SN2 थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, ओके okay, अगर सिर्फ वाटर दिया होता, NaOH नहीं दिया होता, सिर्फ वाटर दिया होता तो मैं SN1 करवाता, क्योंकि न्यूट्रल वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पर OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो चलो ये वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शंस। वी हैव 2 मिनट्स, वैसे काफी ज्यादा टाइम दे दिया, चलो फिर भी करो ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख के एक बार लिख लो, पहले लिख के एक एक करके प्रैक्टिस करो उसको, क्या क्या बनेगा। चलो ये ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट वन आपका ये सिंपल मिथाइल हैलाइड, सॉरी मिथाइल तो नहीं, मतलब 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CH3 CH2 O-, तो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री पर अटैक करेगा, तो इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन SN2, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस NaCl, राइट, ईथर बन गया। नेक्स्ट एस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर ये अगेन 1 डिग्री ब्रोमाइड को बाहर करेगा, तो PHS CH2 CH3, ठीक है, थायो ईथर। थर्ड वन नाइट्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है, ये एज एन सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये अल्काइल आयोडाइड है, मतलब मिथाइल आयोडाइड, SN2 रिएक्शन अगेन, ठीक है। तो ऊपर वहां लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये देख के पता लग रहा है कि दीज आर ऑल SN2 रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ये वन स्टेप आयोडाइड बाहर तो चला गया, तो इट इज NCH3 और N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और साथ में आई नेगेटिव उसके पड़ोस में लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज है, तो आई नेगेटिव उसके आसपास रहेगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या होगा, नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, अब एक तो लग रहा है कि OH नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, बट OH नेगेटिव के 2 अटैक पॉसिबल हैं। अगर आप सोचोगे कि OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो वो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, बट OH नेगेटिव यहां पर अगर अटैक करे तो वो होगा एज अ बेस, तो बेटा एज अ बेस
फर्स्ट प्रायोरिटी आता है एज अ बेस अटैक जो होगा वो पहले होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में. तो ये पहले अटैक करेगा यहां पे इस एच पॉजिटिव को निकालेगा. ओके तो ये वाला अटैक नहीं होगा पहले, ये वाला होगा. और उसके साथ साथ जैसे ही एच पॉजिटिव को निकालेगा ओ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा और ये सीएल बाहर जाएगा. ये सब कुछ एक ही स्टेप में होगा. इसने इसको निकाला, नेगेटिव ने उस पर अटैक किया और सीएल बाहर चला गया. तो इट्स लाइक हाँ एक ही बात है, मतलब वो यहां से कनेक्ट करेगा. आपको देखने में थोड़ा सा ये ऑड लग सकता है तो थोड़ा इसको वैसे ड्रॉ कर लेते हैं कि यही ऑक्सीजन है तो ये ऐसे आ जाएगा. बात तो बराबर ही है, 5 मेंबर रिंग है और एक पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, राइट. तो ऐसा करना है, एसिडिक अगर हाइड्रोजन है और आप बेस यूज कर रहे हो तो बेटा उसको पहले रिमूव करो, फिर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है. क्यों? अब ये एक तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक हुआ ना, क्योंकि यहीं पर ओ नेगेटिव बन गया तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ और उसके बाद कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगा हुआ है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में वैसे पोलैरिटी है तो इसने अंदर से ही अटैक कर दिया तो ये रिंग क्लोजर हो गया. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली मिलेंगे. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन ये हैं, जल्दी से करो ये भी SN2 ये सारे के सारे. तो चलो जल्दी जल्दी को कर देते हैं. साइनाइड ऑब्वियसली बात है यहां अटैक करेगा तो BR हटा के यहां पर CN लगा दो तो PHCH2CH2CN. सेकेंड केस में यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एसिटाइलाइड आयन है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, Cl को बाहर निकालेगा, लग जाएगा एक्सेस ऑफ अमोनिया. एक अमोनिया जब अटैक करेगा यहाँ पे Br बाहर तो NH3 पॉजिटिव, इसको पूरे को मैं R मान लेता हूँ, इसको RCH2 करते हैं, इसको तो पूरे को लिखते हैं R फिर CH2 फिर NH3. तो उसने मैंने लोन पेयर दे दिया, ये NH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव. अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो गया SN2, ये एक स्टेप हो गया SN2 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना H पॉजिटिव लूज करेगा, इस बॉन्ड को रखेगा अपने पास, H पॉजिटिव को छोड़ देगा जो कि BR से कंबाइन करके HBr अलग बना देगा. तो ये RCH2NH2 अलग हो जाएगा प्लस HBr. ओके यहां पर NaOH तो ऑब्वियसली बात है ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग यहां पर अटैक करेगा. अब SN2 हो तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्ट होगी तो ये ऐसे लगेगा. ठीक है ना, ये फ्रंट ऑफ द प्लेन था, अब जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा इन्वर्जन होगा तो ऑब्वियसली बात है वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा. ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन होगा वहां पे. ओके चलिए नेक्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शन. IIT 2007 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करो. 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन. RF, RCl, RBl, RI? नहीं, सबसे फास्ट कौन करता है? RI, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडाइड तो इस पे सबसे जल्दी अटैक होगा तो RI, RBl, RCl, RF. ठीक है, तो 2007 IIT का क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन IIT 2007 में आया था, SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक का मतलब है काइरल कार्बन. ओके तो काइरल कार्बन का मतलब है कि जो चार डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है तो ऑब्वियस बात है SN2 में क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो क्या बनेगा, ऑलवेज गिव्स एन इनेंशियमर ऑफ द सबस्ट्रेट. नहीं यार, इनेंशियमर कैसे बनेगा, देखो कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है. अब इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये ले लो 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, इन्वर्जन हुआ. आप बोलोगे सर हाँ सर मिरर इमेज तो होती है, बट बेटा एक्स तो चेंज हो गया ना, वहां स्टार्टिंग में एक्स था यहां पर न्यूक्लियोफाइल है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं हुआ, इनेंशियमर तो नहीं बोल सकते, तो इनेंशियमर नहीं होगा, इन्वर्जन हुआ पर इनेंशियमर नहीं है वो उसका, क्योंकि उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, एक्स हटा के तुमने कोई और न्यूक्लियोफाइल लगाया. अब प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन जरूरी है क्या, कि क्या जरूरी है कि ये डेक्स्ट्रो था तो वो लिवो ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इन्वर्जन से डेक्स्ट्रो, देखो इन्वर्जन से नॉर्मली डेक्स्ट्रो से लिवो क्यों बनता, हम क्यों बोलते हैं ये कंसीडर करके कि जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ. मान लो जब ये एक्स था तो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ और था तो 1 2 3 करके जो आप रोटेशन करके RS नेमिंग करते हो वो डिफरेंट आ रही थी. ठीक है, और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल आ गया तो प्रायोरिटी ऑर्डर मान लो बदल गया. अगर बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर बदल गया तो क्या होगा, तो RS नेमिंग तो कुछ और हो जाएगी ना. ठीक है,
तो ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, क्या ये जरूरी है कि जो इन्वर्ट होके बने उसकी ऑप्टिकल रोटेशन भी एग्जैक्टली ऑपोजिट हो? नहीं, मिक्सचर तो बिल्कुल भी नहीं बनता, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा. यस, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा, दैट इज करेक्ट. इन्वर्जन होगा, दैट इज करेक्ट, पर उसको आप एनेंशियमर नहीं बोल सकते और ये गारंटी नहीं दे सकते कि उसकी ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होगी. नेक्स्ट, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है. ट्राई दिस क्वेश्चन. तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि आज हम SN1 SN2 पे अच्छे खासे क्वेश्चन कर ले ताकि आपको यह भी आइडिया मिल जाए कि आईआईटी ने पिछले 8-10 सालों में किस किस तरह की चीजें पूछी हैं, जेई मेन किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है. तो अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, राइट, वो क्वेश्चन उनसे कितने लेवल के हायर हैं, बराबर हैं, क्या हैं? ओके, कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, काफी थोड़ा नेक्स्ट लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं, नहीं सॉल्व हो रहे, उनका मोरल डाउन हो जाता है. क्यों सर, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे? अरे यार, ये तो देखो, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वो ऑलरेडी आईआईटी के लेवल से ऊपर के क्वेश्चन हैं, तो उसमें मोरल खराब करने वाली बात नहीं है. यू जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा, आपको कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए होगा सब्जेक्ट का. बट ऐसा नहीं है कि आईआईटी ने उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पहले पूछ रखे हैं. तो कंपेयर कर लिया करो कि अगर आप जो क्वेश्चन में फंस रहे हो वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा टफ है या बराबर के लेवल के हैं, तो आपको पता लगेगा कि आपको मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है. ओके, देखो, तो दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन. हाइड्रोलिसिस यार बोल दिया, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब ही हो गया एक्वस एसीटोन भी आ गया ना, हाइड्रोलिसिस वर्ड आ गया, मतलब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल है. वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल मींस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 होना है इसमें, राइट. अब उस बेंजीन पे लगा NO2, इस पे लगा OCH3, ये डोनेटिंग है. तो अगर कार्बोकैटायन ऐसा बने जो इसके आसपास आए तो ये स्टेबलाइज करेगा, उसके आसपास आएगा तो वो डीस्टेबलाइज करेगा. तो ठीक है, पहले तो क्लोराइड निकला, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. अब ये क्या बना, ये सिंपल 3 डिग्री बना. अब क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? यस. अब पहले ये सिंपल 3 डिग्री है तो ये भी कम स्टेबल नहीं है, इस पोजीशन पे भी OH लग जाएगा. एक तो ये हो ही जाएगा, इस पोजीशन पे OH लग गया, यस, ये एक बनेगा, बाकी रीअरेंजमेंट भी होना है. अब उसके बाद अगर आप सोचोगे कि यहां से मिथाइल शिफ्ट करें और यहां पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो बेटा वो NO2 वाले के नजदीक आएगा तो वो उतना अच्छा नहीं है. उल्टा यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करो और पॉजिटिव चार्ज को ले आओ यहां पे, तो वो इस बेंजीन के कनेक्टेड होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा. तो ऑब्वियस बात है, यहां पॉजिटिव चार्ज जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, फिर यहां अटैक करेगा, वाटर यहां OH लग जाएगा, तो ये बनेंगे, दोनों बन जाएंगे. ये वाला नहीं, उस तरफ नहीं बनेगा. तो मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2 बनना चाहिए, 1 एंड 2. ओके, तो SN1 में सिंगल प्रोडक्ट बने ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे तो दो दो आपके डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकैटायन बन रहे हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे. हाँ, कोई माइनर होगा, कोई मेजर होगा, पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एब्सोल्यूटली ये बहुत कम होता है SN1 में. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था मेरे नोट्स का, तो मैंने सोचा कि चलो आपको कराई दिया जाए, ये वाला भी डिस्कस कर लिया जाए. तो CH3CHOH CH3TSCl पिरिडीन से ए बना, फिर NaN3 के साथ आपका बी बना. हाँ, तो भी क्या होगा इसमें, टोसाइल क्लोराइड के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, पता है ना आपको क्या होता है टोसाइल क्लोराइड से, OH का बन जाता है OTS, तो ये बन जाएगा आपका पहला CH3CH CH3, इसका बन जाएगा OTS. OTS बनाने का फायदा क्या है, OH एक बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलता, बट OTS नेगेटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपने एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. फिर NaN3 में जो N3 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा. अब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, वो नेगेटिव चार्ज भी, और ये जस्ट 2 डिग्री है, तो यस SN2 अटैक हो जाएगा N3CH3, बस, राइट. नेक्स्ट वाला, ये वाला कितने डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री है, और CH3S नेगेटिव, तो CH3S नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर भी SN2 मैकेनिज्म करेंगे, बैक से अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इन्वर्जन होना है, ठीक है. तो क्या कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये ले लो कार्बन, ये ऊपर वाले ग्रुप को सेम रखो, CH3 मतलब CH2CH2CH2OCH3, और यहां जो ब्रोमीन था उसकी जगह यहां भी आ जाएगा आपका SCH3 एंड
ठीक है, सी एस थ्री फ्रंट में था, सी एस थ्री फ्रंट में रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एच बैक साइड में था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ब्रोमीन था उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री से अटैक करके ये रिएक्शन बन गया, कंप्लीट इन्वर्जन यहां पे हो गई। ठीक है, ये कर लिया, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो। तो चलो ये वाला भी हो गया डन। अब बात करते बेटा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SNI मैकेनिज्म। देखो SNI मैकेनिज्म में क्या होता है, SNI वैसे तो इसकी और भी काफी वेरिएशंस हैं, पर हम ज्यादा बहुत भी खिचड़ी नहीं पकाएंगे इसकी। दो मेन केसेस आते हैं, एक द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक इन्वर्जन। तो SNI में हम एक जो कॉमन काफी कॉमन रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद SOCl2। ठीक है, देखना क्या होगा इसमें भी। पहला ये समझते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ चलो OH कर लेते हैं, ये अल्कोहल है, ये आ गया। ठीक है, ग्रुप्स लगाओ, मेंशन करो, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्कोहल आ गया, इसको ट्रीट करें हम SOCl2 के साथ। तो बेटा SOCl2 ये आपने प्रोसेस पढ़ा भी है, स्टार्टिंग में किया था ये। तो यहां पर क्या है कि जो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, तो ये यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। OH कर लो, पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर, एंड SO नेगेटिव और दो क्लोरीन। तो O पे नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो O का नेगेटिव है ये नीचे आएगा, एक क्लोराइड को बाहर करेगा, क्लोराइड बाहर गया। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बना दैट इज और अगले स्टेप में ये भी कर लो कि जो क्लोराइड बाहर निकलेगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था क्योंकि एक लोन पर उसने अपना डोनेट किया। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव भी निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके पास रह जाएगा। तो ये O के पास दो लोन पर वापस आ गए, एंड S डबल बॉन्ड O Cl, कुछ ऐसे करके लिखोगे तो आसान रहेगा। अब क्या होगा, वो निकल गया HCl निकल गया, राइट। अब ये क्लोरीन यहां फ्रंट से ही अटैक कर देगा, ये क्लोरीन अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके यहीं से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O SO2 निकल जाएगा बाहर और क्लोरीन लग जाएगा उसके साथ। और वो कहां से लगेगा, फ्रंट से लगेगा, मतलब रिटेंशन हुआ, यहां लगे क्लोरीन प्लस SO2 गैस बन के निकल गया। तो फ्रंट से लगा ना ये, तो पहले जो OH था वो भी फ्रंट में था, उसकी जगह जो नया ग्रुप आया वो भी फ्रंट में लगा, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जब सिर्फ SOCl2 से ट्रीट करते हो अल्कोहल को, तो इट गिव्स यू रिटेंशन, और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो अंदर अंदर ही हुआ, तो ये आया इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटरनल भी बोल सकते हो। तो ये अंदर अंदर ही अटैक हो गया, डन, और आपके पास आ गया रिटेंशन, फाइन। अब इसका एक और केस है, अब वो एक्चुअली उसमें इंटरनल अटैक नहीं हो रहा, अटैक अंदर से नहीं हो रहा है, अटैक बाहर से ही हो रहा है, पर चलो क्योंकि इससे बिल्कुल रिलेटेड है तो इसी का हम केस टू करके उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, पर ये एग्जैक्टली इंटरनल नहीं है, इट इज नॉट इंटरनल। अब हम क्या करेंगे, उसी सेम अल्कोहल में हम लगा लेंगे साथ में पिरिडीन, SOCl2 प्लस पिरिडीनियम यूज करेंगे। इससे होगा क्या, देखो स्टार्टिंग वाला पार्ट एग्जैक्टली वही है, पर वो जो HCl बनेगा ना, क्या बनेगा, वो जो HCl बनेगा वो HCl पिरिडीन से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहला आप तो ये समझ लो, ये बना OSOCl बना दो, ये बन गया, और पिरिडीन के साथ जो HCl था वो क्या करके, क्योंकि पिरिडीन भी बेस है, HCl एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो ये NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्योंकि पिरिडीन उस HCl से रिएक्ट करके ये बनाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट में क्या हो जाएगा, ये जो क्लोराइड है, अब क्लोराइड जनरेट हो गया ना, जब तक वो HCl था वो क्लोराइड नहीं था, वो Cl ऑलरेडी बॉन्डेड था, H के साथ बॉन्डेड था, तो वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं था, वो शांति से बाहर था, तब अंदर वाला
क्लोरीन अटैक कर रहा था सामने से, अब क्योंकि Cl नेगेटिव जनरेट हो गया, एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है, ये अटैक करेगा और ये अटैक करेगा फिर बैक साइड से, तो ये अटैक करता है बैक साइड से और ये बाहर, और ये क्लोराइड फिर यहां से ये बाहर, सेम है, वही प्रोडक्ट बन रहा है मतलब अल्टीमेटली, बट इन्वर्जन, बैक साइड अटैक हो रहा है यहां पे, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, राइट। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ये हुआ अब SN2 मैकेनिज्म। तो बेटा SOCl2 अकेला हो तो रिटेंशन करना है, SOCl2 प्लस पेरिडीन हो तो आपने इन्वर्जन करना है, रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट फॉर्मेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड जनरेट हो जाता है बस। अब चलो इसकी ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में नहीं जाते, उतना करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, चलो एक काम करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि जनरल रिएक्शन में क्या होता है ना, बाकी डिटेल जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ताकि एक नया इंडिपेंडेंट टॉपिक रहे। देखो एलिमिनेशन, बात आपको पता है कि कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ रिमूव करना है। जब आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो हम रिप्लेस कर रहे थे। एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे ये कार्बन पे एक जेड लगा और एक वाई लगा हुआ है, तो ये वाई निकल जाएगा और यहाँ से जेड निकल जाएगा। तो जनरल इसका जो एग्जाम्पल है, चलो उसको भी देखते हैं, तो ये वाई भी निकलेगा, जेड भी निकलेगा, और जब दो बॉन्ड टूटेंगे एक नया बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो जनरली इसमें ये होता है कि एक पोजीशन पे होता है एक्स और एक होता है यहां पे एच, फिर आपके पास एक होता है बेस। बेस क्या करता है, एच पॉजिटिव निकालता है, एच पॉजिटिव मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन ही छेड़ेगा, तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, ये यहां जंप करेंगे। इस बॉन्ड में पहले से पोलैरिटी थी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये एक्स अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है बाहर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां जंप किए और यहां बन गया डबल बॉन्ड। तो ये है, तो एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, एलिमिनेशन बेस करता है। सब्स्टिट्यूशन किसने की थी, न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम सेम होते हैं, यस, कोई स्पीशीज कभी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना प्रेफर करेगा, कभी एज अ बेस काम करना प्रेफर करेगा। कि कोई स्पीशीज अगर ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN रिएक्शन करना प्रेफर करेगा, अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या वो न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा अच्छा बेस है तो वो एज अ बेस काम करना प्रेफर करेगा। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। फैक्टर्स बाकी हैं, उसका साइज क्या है, बल्की कितना है, जिस पे अटैक करना है वो कितना छोटा है, कितना बल्की है, टेम्परेचर कैसा है, पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, काफी सारे फैक्टर हैं, राइट। तो एलिमिनेशन ब्रीफली हम तीन मेन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ओके, तीन मेन, E1, E2, E1 CB। E1 जस्ट लाइक SN1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन या फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, E2 जस्ट लाइक SN2 सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और इवन CB फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन विद कॉन्जुगेट बेस, CB मीन्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये तीन मेन मैकेनिज्म पढ़ने हैं हमने, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनसे। तो हम स्टार्ट तो करेंगे E2 के साथ, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप कम से कम E1, E2, E1 CB के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आओ, कौन कौन से बेस यूज करते हैं हम उनके बारे में पढ़ के आओ। जैसे जब आपको एक्वस KOH दिया होता है तो एक्वस KOH में क्या बोला हमने, हमेशा सब्स्टिट्यूशन करवाना है, पर जब आपके पास अल्कोहलिक KOH आ जाता है ना तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करता है, तो वहां पर एलिमिनेशन करनी होती है। तो ये एक एग्जामिनर का वो भी हिंट होता है कि अगर एक्वस KOH लिखा है उसने तो मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन करवाओ, अल्कोहलिक KOH लिखा है तो मतलब एलिमिनेशन करवाओ, राइट। तो इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के साथ नई चर्चा E2 रिएक्शन के साथ। और आई होप आपको आज का जो बेसिक सा मैंने कुछ पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत समझ आएगा, थोड़ा बहुत आपके काम आएगा। तो बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर जरूर करना इसके बाद। और दूसरा, अपनी जो भी फीडबैक है प्लीज़ गिव इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं, यस, कमेंट्स बिल्कुल पढ़े जाते हैं, और उनके ऊपर जो भी अगर हम कंस्ट्रक्टिव कुछ काम कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए तो वो भी किए जाते हैं, राइट। तो ये काम कर देना कमेंट्स में फीडबैक वाला। और दूसरा, अगर किसी बच्चे को प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है, कुछ भी है, सारी डिटेल बेटा डिस्क्रिप्शन में है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JEE लाइव। तो होप टू सी यू इन द प्लस प्लेटफॉर्म सून, ओके। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट समीर सर की क्लास आने वाली है, तो तब तक आपका थोड़ा सा टाइम है, तो जल्दी से एक बार जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लो 5 मिनट के लिए, और फिर जरा स्ट्रेचिंग वगैरह करके वापस आ जाओ मैथ के लिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन से उलझना काफी आसान तो नहीं होता, तो यू नीड अ ग्रेट टीचर लाइक समीर सर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में E2 एलिमिनेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।